हेलो फ्रेंड्स, एज आई ऑलवेज से कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हर सेक्टर के थोड़े बहुत स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में चाहिए, क्योंकि कोई सेक्टर कभी बेनिफिट मिल जाता है तो उसके कारण हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो इसीलिए हम लोग अब बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की, जो कि पाइप सेक्टर का एक शानदार शेयर है और पाइप सेक्टर का अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है मार्केट की गिरावट में। फिनोलेक्स इंडस्ट्री सब टाइप के पाइप्स बनाती है, इनके ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छे डीलर नेटवर्क है। वन ऑफ द टॉप 3 ब्रांड्स है पूरे भारत में फिनोलेक्स के पाइप्स। हमने सबने सुना हुआ है नाम, हर गांव और में छोटे छोटे कस्बों में भी इनके डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। कंपनी एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा करती है पाइप्स का। और अभी आपने देखा होगा इस बजट में पानी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी काफ़ी बड़ा अलोकेशन बजट में किया गया था, बजट 2022 में। तो उसका बेनिफिशियरी भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्टली इंडायरेक्टली मिलने वाला है। और आप जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर भी काफ़ी बूम में है, तो उसमें भी पाइप लगते ही है। जब बिल्डिंग बनती है या बंगलो बनता है, घर बनता है, तो हिसाब से भी पाइप सेक्टर के शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। दैट्स वाई फिनोलेक्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द गुड शेयर टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका आज का क्लोजिंग था 155 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 268 रुपीज़, तो काफ़ी डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। पी है 11 का, पी भी बहुत अच्छे पी पे मिल रहा है अभी। डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.01, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यही कह जाएगी, क्योंकि 0.01 मतलब डेट नहीं के बराबर है। ईपीएस है 14 का, तो 14 का ईपीएस है और रेट है 155 का, तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है। आरओसीई इज़ 36% एंड आरओई इज़ 29%, जो कि दोनों भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 53%, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एफआईआई के पास है 5.75%, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। एंड डीआईआई के पास है 10%, तो डीआईआई ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ में, तो इसीलिए ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव बात निकल कर आता है इस कंपनी के लिए। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की। तो दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 2,56,00,000 रुपीज़, सेप्टेम्बर 21 में प्रॉफिट था 2,35,00,000 रुपीज़ एंड डिसम्बर 21 में प्रॉफिट हुआ 1,78,00,000 रुपीज़। ईयर ऑन ईयर भी थोड़ा सा इसमें हमें एक रिडक्शन देखने को मिला प्रॉफिट में, क्वार्टर क्वार्टर भी देखने को मिला। बट फ्रेंड्स, एक तो क्वार्टर से अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो तो वो कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 30-40 करोड़ का प्रॉफिट आ गया एज़ कम्पेयर टू 200 करोड़, तो ठीक ठाक है प्रॉफिट। और इसका सीजनेबल भी होता है ये बिज़नेस, तो हो सकता है आने वाले मार्च क्वार्टर में या जून क्वार्टर में इसमें अच्छा खासा हमें जम देखने को मिले प्रॉफिट में। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को, आप बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से थोड़े बहुत शेयर 50 से 100 शेयर्स होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि मार्केट चलेगा तो ये शेयर हमें 300 से 400 के लेवल भी दिखा सकता है। बट अभी जो मार्केट में गिरावट है और इसका दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा मीडियम आया था, एवरेज आया था, इसीलिए ये गिरावट में मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा लेके आप थोड़े बहुत शेयर्स बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल सकते हैं, बिकॉज पीई भी काफ़ी कम है, डेट फ्री कंपनी है एंड एक वेल इस्टेब्लिश ब्रांड है, जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके भी डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।